नमस्कार दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाया था कि जो 10th क्लास 2021 में जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे और उनका फॉर्म जो है आधार में अलग और मार्कशीट में अलग होने के कारण ई कल्याण पोर्टल में उनका छट गया था। तो उस वीडियो में मैंने बताया था तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसको अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आपका है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं आज तक आमिर यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का यूट्यूब कंटेंट वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग जानिए कि किनका किनका छटा हुआ है। छटा उनका है जिनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट में अलग और आधार में अलग हो जाने के कारण उसका छट गया है। जैसे कि मैं स्क्रीन पर 10th क्लास का यहाँ पर खोला हुआ हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ विभाग ने यहाँ पर कुछ लिंक जारी किया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर जारी क्या किया था कि इम्पोर्टेंट लिंक, ठीक है, यहाँ पर जारी किया था DOV, ठीक है, एज पर आधार मिसमैच रिजेक्ट लिस्ट। तो यहाँ पर जारी किया था कि जिसका रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, जिसका जन्म तिथि रिजेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर जिसके यहाँ से आप लोग जाकर चेक कर लीजिए और यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, नाम भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इसका डेटा जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये जो लिस्ट है वो लिस्ट उनका है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर, आप लोग अच्छी तरह से देखिए क्या हुआ है कि इनवैलिड एप्लीकेशन रिपोर्ट लिस्ट, ठीक है, ड्यू टू डेट DOV एज पर आधार एंड DOV गिवन बाई मिसमैच, ठीक है, बिहार बोर्ड से छाट दिया गया है जिसका मिसमैच था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से तो आप लोग जाकर चेक कर लिए कि मेरा छटा हुआ है। तो बहुत दिनों के बाद इसका कोई एक सोल्यूशन भी आया था कि यहाँ हमें जाने स्टूडेंट में जाने के बाद नीचे ऑप्शन था क्या कि यहाँ पर एक आता था अपलोड, वहाँ से आप लोग उसमें दे रहा था कि यहाँ से अपलोड जिसका छट गया है तो यहाँ से अपलोड कर दीजिए, लेकिन उस वाले ऑप्शन को भी हटा दिया गया है। तो फिर उसके बाद अपडेट क्या आया कि मोबाइल पर ID और पासवर्ड विभाग द्वारा आ रहा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि बहुत लोगों का ID और पासवर्ड आया और आ जाने के बावजूद भी उनका अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और बहुत लोगों का आया ही नहीं। तो जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन पे बता रहा है, इसको आप थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हुआ है पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर बता रहा है क्या कि यहाँ पर पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक खाता के सत्यापन करने का इंतजार करें। सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको इस ID और पासवर्ड को लॉगिन करके आपका अंतिम रूप देना होगा तथा समय समय पर जाकर अपना आवेदन की स्थिति देखें। तथा यहाँ पर आपको अच्छी तरह से देखिए तथा इसमें क्या बताया गया कि अगर आपका त्रुटि होने पर, ठीक है, ईमेल के माध्यम से आप लोग सेंड कीजिए। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि आपको अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच हो गया है और आपको ID और पासवर्ड नहीं मिला है तो आपको क्या करना है कि इस ईमेल ID पर, मैं आपको दिखा दूँ, इस पोर्टल पर ही आपको मिल जाएगा नीचे, तो आपको क्या करना है कि इस ईमेल ID को पर ही आपको क्या करना है कि इस ईमेल ID पर आपको इस ईमेल ID पर आपको ओरिजिनल, मेरे बात को समझिएगा, जो आपका जो छटा था आधार में जो जन्म गलत हो गया था तब आपको क्या करना है, आधार को आपको सुधार लेना है। सुधारने के बाद आपको क्या करना है और आधार को ओरिजिनल कॉपी उसको स्कैन कर लेना है, ठीक है, आधार पासबुक, ठीक है, और मार्कशीट, आधार कार्ड पासबुक और मार्कशीट और पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो, ठीक है।
इसको आपको क्या करना है कि स्कैन कर लेना है, और स्कैन करने के बाद वीडियो बनाकर इस ईमेल पर आपको क्या करना है कि इस ईमेल पर आपको सेंड कर देना है। और सेंड क्या करना है, उस पर लिखना है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ, मैं 10 क्लास का छात्र हूँ 2021 में, और मेरा डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गया है, उसको सुधारा जाएगा, सुधार दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग लिख कर इसे भेज दीजिएगा तो वहाँ से आपको रिप्लाई तो नहीं आएगा, लेकिन आपका जो ये प्रॉब्लम है वहाँ से सुधार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यूट्यूब में आप लोग बहुत सारा ढूंढ रहे थे, लेकिन ये आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, और आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आपका आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो आप ये काम कर सकते हैं, आपका ये प्रॉब्लम जो है आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अब ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास और शेयर करिए। ठीक है, तो मैं इतना ही वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी अपडेट मिलता रहेगा। चलिए मेरे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।